कोरोना के मद्देनज़र राज्य मंत्री अनूप धानक ने हिसार ज़िले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस कड़ी में सबसे पहले वह उकलाना की तहसील परिसर में पहुँचे। यहाँ पर नायब तहसीलदार धर्मवीर नैन, नगर पालिका सचिव संदीप गर्ग, थाना प्रभारी हवा सिंह के साथ बैठक की और क्षेत्र में चल रही व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से उकलाना में चल रहे होम सेंटर, पुलिस नाकों और जो गांव में नाकेबंदी की गई है, जो ठिगरी पहरा शुरू किया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद राज्य मंत्री उकलाना के अग्रवाल सेवा सदन में बनाए गए शेल्टर होम में पहुंचे, जहां पर राजस्थान के प्रवासी मजदूर ठहरे हुए हैं। यहां पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने इन प्रवासी मजदूरों से मिलकर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को आदेश दिए कि इन्हें समय पर खाना मिले, स्वास्थ्य सहित अन्य जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं इन्हें मुहैया करवाई जाएं और नियमित रूप से देखभाल हो। और उन्होंने मजदूरों से मिलकर कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो वह अधिकारियों से मांग कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से यहां से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं उसके बाद राज्य मंत्री अनूप धानक उकलाना में चल रहे रोटी बैंक में भी पहुंचे और रोटी बैंक चलाने वाली सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद किया और कहा कि आपदा की घड़ी में जिस तरह से सामाजिक संस्थाएँ आगे आ रही हैं वह वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके बाद राज्य मंत्री भोजन सेवा संघ उकलाना में पहुँचे और भोजन सेवा संघ द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों में राशन सामग्री का प्रशासन के साथ मिलकर वितरण करने पर धन्यवाद किया और कहा कि सभी सामाजिक संस्थाएं इस आपदा की घड़ी में सरकार के साथ आगे आ रही हैं और ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने में प्रशासन का साथ दे रही हैं, जो काबिले तारीफ है। हम सबको मिलकर इस लॉकडाउन को सफल करना होगा और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने में सरकार का सहयोग करना होगा। उसके बाद राज्य मंत्री अनूप धानक बरवाला के किसान विश्राम गृह में पहुंचे, जहां पर उपमंडल सत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की और बरवाला में चल रही व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने शेल्टर होम सुरक्षा व्यवस्था संबंधित सभी अधिकारियों से जानकारी ली और लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से करवाने को लेकर आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गांव में ठिकरी पहरे शुरू करवाए जाएं। उसके बाद राज्य मंत्री अनूप धानक आदमपुर में पहुंचे और अधिकारियों व सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक की और समीक्षा करने उपरांत उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि ज़रूरतमंद परिवारों को हर तरह से मदद मिले और लॉकडाउन का पालन हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी को हम जल्दी से जल्दी हराने में कामयाब हों। उसके बाद राज्य मंत्री अनूप धानक आदमपुर में बनाए गए शेल्टर होम में पहुंचे और यहां पर ठहरे लोगों से बातचीत की। राज्य मंत्री अनूप धानक ने अग्रवा में भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लॉकडाउन के दौरान हर जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर किसी भी प्रकार से यहाँ से पलायन न करने पाए और उनके लिए ठहरने, रहने, खाने की तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा तुरंत मुहैया करवाई जाएं। उन्होंने शेल्टर होम में ठहरे लोगों का हालचाल भी जाना और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और लॉकडाउन के दौरान किसी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत उन्हें नहीं आने दी जाएगी। सरकार की तरफ से सबसे पहला कदम तो ये है कि जो मजदूरों को, जो हमारी लेबर है, उसके लिए हमने ये व्यवस्था करी, कोई एक तो पलायन ना करे, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई भी पलायन ना करे। दूसरा, जो सरकार की सुविधा के अनुसार, जैसे हमारे अपने जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं, जो बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं हमारे लेबर डिपार्टमेंट में, उनके लिए 4,000 रुपये फिलहाल अपने उनकी सुविधा दी जा रही है। जो अनग्रो रेगोनाइज्ड लेबर है, असंगठित मजदूर है, उनके लिए 1,000 रुपए की व्यवस्था हफ्ते में की जा रही है सरकार की तरफ से। और सरकार का ध्येय है, पूरी तरह गंभीर है, जो ये कोरोना है इससे हम पूरा लड़ाई लड़ करके और कोरोना पर हम जीत हासिल करने का काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हमारे जो
साथी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी भाग ले रही हैं इसमें, और मैं भी लगातार, पहले तो मैं फोन पर मेरा संपर्क जारी था पूरे प्रशासन से, पूरे उकलाना प्रशासन से भी मेरा, चाहे वो बरवाड़ा हो, चाहे अग्रवा हो, चाहे हिसार प्रशासन हो, सभी से मैं टच में था। और मैं कल मेरी फतेहाबाद में जो हमारा मेरे को जिला की जिम्मेवारी दी गई है, वहाँ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुख्यमंत्री जी से बात की, और जो भी वहाँ जायजा लिया, जो समीक्षा की, जो वहाँ मजदूरों को जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है, जो शेल्टर हाउस में जो मजदूर रुके हुए हैं उनके लिए पूरी समीक्षा की। और आज मैंने पहले मैं अग्रवा ब्लॉक में, जो हमारे अग्रवा ब्लॉक के BDPO भी थे, वहाँ BDPO भी थे, SHO भी थे, तहसीलदार भी थे, वहाँ सभी प्रशासन की तरफ से भी बहुत बढ़िया सुविधा दी जा रही है। प्रशासन इस बात में मैं प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि वो रात और दिन एक करके पूरे अपने परिवार के काम छोड़ करके, घर के घरेलू काम छोड़ करके, वो छुट्टी वाले दिन भी वो रात और दिन एक करके काम कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरा बधाई का पात्र है, और जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रही हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा कि जो इस संकट की घड़ी, जो हरियाणा प्रदेश पर, पूरे भारत देश पर जो संकट की घड़ी, पूरे विश्व पर जो संकट की घड़ी आई है, उस संकट की घड़ी में सारे साथी मिलजुल कर उस संकट की घड़ी में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जो सहायता करने का काम कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं सभी जो हमारे साथी हैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपने घरों में रहे, घरों में रह करके जिसकी तो मदद करनी है साथी की, वो घरों में रह कर ही मदद करें। सामाजिक संस्था से जो वॉलंटियर साथी बने हुए हैं, जो जिनकी जिम्मेवारी लगी हुई है, वही बाहर जा करके अपने उनकी सहायता करने का काम करें, चाहे वो उन्होंने ड्राई भोजन वितरित करना है, चाहे वो बना हुआ भोजन वितरित करना है, वो सिर्फ वही साथी करें जो वॉलंटियर साथी हैं, और बाकी साथी घरों में रह करके परमात्मा से दुआ करें कि हमें जो ये कोरोना नाम की जो महामारी आई है, जो बीमारी विश्व भर को, प्रदेश को, हर एक भारत को छुटकारा मिल सके। अच्छा, गांव सत्र की बात करें तो गांव सत्र पर किस तरह के कदम उठाए गए हैं, छिड़काव दवाइयों का, लोग सुरक्षित हैं? परसों हमारे डिप्टी CM साहब ने आदेश करे हैं, क्योंकि पंचायत विभाग भी उनके पास है, गांव के सरपंच को ये आदेश दिए गए हैं कि जो गांव में चाहे वो सैनिटाइजर की व्यवस्था करवानी है, चाहे वो छिड़काव कराना है, उसके लिए 20,000 का बजट, जिस पंचायत के पास पैसा नहीं है तो उसको 20,000 का बजट दिया गया है, और पंचायतों को हिदायत दी गई है कि गांव में जो सुविधा देनी है वो सुविधा देने का काम करें, चाहे पंचायत के खर्चे पर देने का काम करें, या सरकार से कोई मदद लेनी है तो वो सरकार से मांगने का काम करें, प्रशासन के माध्यम से करें, ताकि प्रशासन को ये पता लगे आज कौन से वार्ड में भोजन बांटा गया है, कल कौन से वार्ड में बांटा जाएगा, तो एक जगह सेंट्रलाइज करें इसको। ये मैं सभी जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे अपील करूंगा कि प्रशासन की देखरेख में सारा काम ये करें।